उठ गई हूँ और कल रात को मैंने 3-4 अलार्म लगाए थे, 1:30, 5:05, 6 और 6:15। एक पे भी नहीं उठी मैं और 9:40 पे उठी हूँ अब जाके। तो अभी ब्रश व्रश कर लिया मैंने, अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए ओट्स। ओट्स बन के आ गया, खिचड़ी जैसा लग रहा है, मम्मी ने ज़्यादा पानी डाल दिया, फिर भी ओट्स अच्छा लग रहा है। विराट को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बोल रहा है कि फिर भी अच्छा बना। फिर भी मम्मी ने खाना दे दिया, चावल और आलू और छोले। अभी जो मैंने उस दिन शॉपसी से ऑर्डर किया था वो पार्सल आ गया है मेरा, इस तरफ है ध्रुव पब्लिक स्कूल के पास। तो शायद मैंने उस वीडियो तो मैंने बनाई थी लेकिन उसको अटैच करना भूल गई पिछले व्लॉग में। 17 तारीख को आई थिंक मैंने ऑर्डर किया था, तो इसके साथ ऑर्डर कर लूँगी, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, आप लोगों को भी परचेज करना चाहिए। ये देखो इतना सस्ता मिल रहा है, और मैंने इसमें ऐड किया है जो हुक मुझे चाहिए था किचन के लिए, वो वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगा था लेकिन इस पर बस 17 में मिल रहा है। और एक ये मुझे अच्छा लगा, ये बस 1 रुपये में है, तो मैंने सोचा ऑर्डर कर लूँ, 18 रुपये का ही पड़ेगा। तो अभी मैं इसको ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, 18 रुपये का ये तो मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही, बस एक ही क्वांटिटी है, तो बाद में 2-3 और कर लूँगी क्योंकि 3 से तो काम चलेगा नहीं। ये देखो इतना सस्ता मिल रहा है, और मैंने इसमें ऐड किया है जो हुक मुझे चाहिए था किचन के लिए, वो वैसे तो बहुत ज़्यादा महंगा था लेकिन इस पर बस 17 में मिल रहा है। और एक ये मुझे अच्छा लगा, ये बस 1 रुपये में है, तो मैंने सोचा ऑर्डर कर लूँ, 18 रुपये का ही पड़ेगा। तो अभी मैं इसको ऑर्डर प्लेस कर देती हूँ, 18 रुपये का ये तो मैं भी दे सकती हूँ, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं हो रही, बस एक ही क्वांटिटी है, तो बाद में 2-3 और कर लूँगी क्योंकि 3 से तो काम चलेगा नहीं। आ चुका है ये, अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखो आ चुका है, लेकिन ये ज़्यादा वेट नहीं सह पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ही 2.2 हल्का है। लिखा है मैंने तो फ्लिपकार्ट पे पढ़ा था, लिखा था, इस पे नहीं लिखा है, इस पे नहीं लिखा, देखते लगा दूंगी ट्यूशन से आने के बाद। मैं ट्यूशन से आ गई हूँ और आज बहुत अच्छी हवा चल रही है बाहर, वैसे मुझे ट्यूशन से आने में पसीने छूटने लगते थे लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही अच्छी हवा है, मज़ा आ गया। थोड़ी बारिश की बूंदें भी गिरी लेकिन बारिश नहीं हो रही है। अभी डब्बू कर रहा है चैटिंग, डब्बू नाम तो बता दे, एक बार बोल रहा था फिक्स होने दे तब बताऊंगा, मैंने बोला वाह तो गया, आज कल के बच्चे हो गया, फेकू है, कुछ और बोल रहा था उस दिन तो। मैं इसको दीवार में लगाने जा रही हूँ किचन के इधर, ये पहले टाइल में लगाऊंगी, तो अब इधर चिपचिप होगा तेल की वजह से, तो पहले साफ करूँगी उसके बाद लगाऊंगी, सफाई का काम करेगी चुलबुल। सफाई मुझे ही करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो खाने लग गई, खाना इज मोर इम्पोर्टेंट। ये देखो मम्मी का स्टाइल, बड़ा है बड़ी कढ़ाई है फिर भी इसमें रख के बोलेगी गल के तो थोड़ा सा ही हो जाएगा, तो मतलब बड़े में तो रखना चाहिए ना ताकि अभी आ जाए दिमाग मम्मी का, वाह। ये पीछे से इसका स्टिकर निकलेगा, पता नहीं कैसे निकलेगा, अभी इधर से कुछ समझ तो आया है, निकलेगा अभी कैसे होगा निकला मैं आपको, मुंह से नहीं करना चिपकने वाली कैची ले क्या, चिपकने वाली पन्नी भी तैसी होती है, कैची से कट करके देखते कैसे होगा,
कैची लेके आ गई है, अब देखते हैं इसको कट करके। हाँ निकल रहा निकल रहा है, ये देखो। लेकिन इस पे चिपकाओगे तो ऊपर नीचे ये, तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, देखते हैं। एक लगा दिया है, ये तीनों मैंने इधर फिक्स कर दी है। पता नहीं कितना वेट सह सकते। वाह, इसको एक दिन के लिए छोड़ना होता है ताकि अच्छे से अपना फिक्स हो जाए, उसके बाद कुछ लटकाना होता है। अगर अभी लटका दिया ना तो ये पूरा नीचे गिराएगा। और मम्मी ये सब्जी धीरे धीरे कम होती जा रही है। शुरू में तो इतना बेकार लग रहा था, मुझे इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी कि मम्मी ने उसमें क्यों नहीं बनाया इतना बेकार सा। और कल मैंने एक और ऑर्डर दिया है, मोबाइल होल्डर है, बेसिकली उसमें कुछ भी रख सकते हैं, वो भी स्टिक करने वाला है। तो 4 आएंगे, वो 37 का ही है, तो बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा था इसलिए ले लिया। तब कल लगाएंगे उसको। मैंने बहुत कुछ सोच कर रखा है कहाँ का उसको लगाऊंगी, 2 किचन में और 1 घर में, और 1 का यूज़ नहीं पता। मम्मी ने खाना दे दिया है, पराठा, तोरी की भुजिया, आलू की भुजिया, आम की चटनी और मिर्ची का अचार। अब मैं जा रही सोने। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।